मैं एक है बात उसे और कर। बोलना चाहता हूँ, जी अगर बोलिए आप परमिशन दे तो। ना ये जो आप प्लीज। अपनी अपने स्क्रीन पे हमारे महादेव को दिखा रही हैं, अब इसका अर्घा मिलना बाकी है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसके नीचे, इसी के नीचे खुदाई की जाए जहां पे हमारे महादेव का अर्घा मिले। अब वो कह रहे फाउंटेन है, तो इसकी जब तक खुदाई नहीं होगी इस एरिया की, ये कैसे निर्धारित होगा? आप जो अभी दिखा रही हैं, इसी के नीचे अगर मैं, अगर मेरे को मेरा अर्घा मिलता है शिवलिंग का, तो मैं उस अर्घे को ढूंढने के लिए क्या करूं? ओरल एविडेंस दूं, जनता को बुलाऊं, प्लेबिसाइट करवाऊं, या एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग करूं? तो एक लॉयर होने के नाते हमने सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग की है कि इसमें एक्सपर्ट्स बैठाए जाएं और वो देखें कि इसके नीचे इसका क्या स्वरूप है। पर ये मांग रिजेक्ट करना इस ग्राउंड पे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर का उल्लंघन है और हम पिलर टू पोस्ट रन कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने ये बात अप्रिशिएट नहीं की कि ये मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए। अब ट्रायल कोर्ट कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड वी आर नॉट गेटिंग जस्टिस। तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल चुनौती देंगे और ये ऑर्डर गलत है। ठीक है, आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर गलत है और आप इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाह रही हूँ आज के कोर्ट को लेकर, कोर्ट ऑर्डर को लेकर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई उसमें ये भी कहा गया कि इससे हिंदू भावनाएं आहत हो सकती हैं। जी, मैंने मैंने इस बात को पहले भी क्लैरिफाई किया था। पहले इस मामले का फैसला 7 अक्टूबर को आने वाला था। 7 अक्टूबर को फैसला आने के बजाय इस मामले में क्लैरिफिकेशन मांगा गया हमसे, हमने क्लैरिफाई किया और एएसआई के एक्सपर्ट से बात कह चुके हैं कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए इसकी जांच संभव है। माननीय न्यायालय ने एएसआई के किसी भी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया, एएसआई से नहीं पूछा कि क्या इसकी जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जो हमारी मांग है, क्या एएसआई बताए कि ये जांच संभव है कि नहीं? बिना एएसआई को बुलाए हुए ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया कि शिवलिंग को क्षति पहुंचाई जाएगी, जबकि जो मांग कर रहा है वो कह रहा है कि शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की बात नहीं कह रहे। बिना क्षति पहुंचाए हुए एएसआई के पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे नापा जा सकता है, ये एसरटेन किया जा सकता है कि शिवलिंग कितना पुराना है और यहाँ पे एक्सकवेशन करने में शिवलिंग को क्या क्षति पहुंच जाएगी, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार यूज करने में क्या क्षति पहुंच जाएगी, वो तो एक रेडार सिस्टम से होगा। तो एएसआई के एक्सपर्ट ओपिनियन लिए बिना कि ये रिलीफ दी जा सकती कि नहीं, इस एप्लीकेशन को इन लेमने रिजेक्ट करना मेरे हिसाब से गलत है। ये ऑर्डर इरोनियस है। अगर माननीय न्यायालय को, अगर मैं एक बात के लिए कह देता आपके सामने अदिति जी, बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूँ, अगर एएसआई के एक्सपर्ट्स कहते कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती है और अगर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी, तो मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूँ कि हम अपनी मांग को विड्रॉ करते कि ठीक है यार, शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी तो वो चीज हम भी नहीं चाहते, हम अपनी बात को विड्रॉ करेंगे। पर जब डायरेक्टर ऑफ दी एएसआई कह रहे हैं कि ऐसी तकनीक है कि बिना क्षति पहुंचाए हुए ये जांच हो सकती है, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो फिर क्यों हमारी मांग को रिजेक्ट किया गया? कोई कारण नहीं है, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए विष्णु जैन, बिकॉज क्योंकि आपने एक अहम किरदार इस पूरे मामले में निभाया है और जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, यहाँ पर गुस्सा है, यहाँ पर नाराजगी है और ये कह रहे हैं जब तक साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होगा तो आप असर्टेन कैसे करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है वो शिवलिंग है या नहीं? ये तो साइंस के रास्ते पर जाने के लिए तैयार है। देखिए अदिति जी, भारत भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, श्रद्धा विश्वास का देश है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ कानून का राज है, यहाँ सबकी भावनाओं का सम्मान भी होता है, लेकिन अदालतें जो फैसला करती हैं उसको सबको मानना पड़ता है। इसमें चौथा विषय है एक विज्ञान का, जो अब नया तर्क लोग दे रहे हैं, तो इसके कई पहलू हो गए। एक पहलू है धर्म का यानी आस्था का, दूसरा पहलू है सियासत का, राजनीति का, तीसरा पहलू है विज्ञान का, चौथा पहलू है कानून का। तो मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है, अदालत का जो फैसला है, उसने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये अपना निर्णय दिया है। लेकिन इस निर्णय के आने से ज्ञानवापी का मसला सुलझ गया है या इसकी परिणी इसकी
इसकी इतिश्री हो गई है या इसका कोई निदान हो गया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आस्था लोगों की जो है वो किसी तर्क की मोहताज नहीं होती है। हालांकि उसके पक्ष में तर्क और उसके विरोध में भी तर्क दिए जाते हैं, लेकिन आस्था आस्था है, बिलीफ बिलीफ है। करोड़ों हिंदुओं का ये बिलीफ है कि काशी में मंदिर को तोड़ करके हजारों साल पहले मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो जब तक इस बुनियादी समस्या को का समाधान नहीं होगा, तब तक ये अदालतों के कोई फैसले आ जाओ, एक अदालत का फैसला आएगा, उसको चुनौती दी जाएगी, दूसरी का आएगा, तीसरी में चुनौती दी जाएगी। आप याद करिए अदिति जी, भगवान श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा अयोध्या वाला, वो तो कितने दशक तक चलता रहा, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, तीसरी से चौथी अदालत, अंततोगत्वा कुछ दिनों पहले उसका फैसला हुआ और वो मंदिर निर्माण हो रहा है। ये एक लंबी लड़ाई है और ये कानूनी भी है और ये राजनीतिक भी, इसको लोग बनाएंगे, इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा, राजनीतिक लाभ उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जब धार्मिक इशू आता है तो उसका वो राजनीतिकरण कर देते हैं, तो इसमें राजनीति भी होगी अदिति जी। लेकिन अभी जो आज का फैसला है, मैं जिला अदालत के इस फैसले का सम्मान करता हूँ, इसका स्वागत करता हूँ, मगर इस फैसले के आने के बाद ये लड़ाई बंद हो जाएगी, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। ये लड़ाई आगे और चलेगी और ये लड़ाई निरंतर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर कह रहे हैं विष्णु जैन, ये आचार्य प्रभु कृष्णम कह रहे हैं ये राजनीतिक लड़ाई भी है और ये कानूनी तौर पर भी लंबी चलेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ है और एक खास उनकी अपनी विचारधारा है जिसपे मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, अनुज हूँ, पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, ये आस्था का मसला नहीं है, ये मसला अपनी आस्था को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से प्रूफ करने का है। सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में ये व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकती है। सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन बुला सकती है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई हुई थी अदिति जी, आपको याद होगा कमीशन की कार्रवाई से पहले बहुत हल्ला पूरे देश में हुआ था कि कमीशन नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा कमीशन होके, मुस्लिम पक्ष ने बहुत विरोध किया था और ये हमसे सवाल पूछे गए थे कमीशन करके आप करेंगे क्या, वहां पे कुछ है ही नहीं, उस जगह का स्वरूप मस्जिद का है। और जब कमीशन किया गया तो शिवलिंग मिला। आज जब हम इस शिवलिंग की दूसरे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं तो कह रहे हैं इसको करके क्या होगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। तो सच्चाई ये है, मुस्लिम पक्ष हमेशा सच को दबाने का उसने काम किया है, चाहे वो कोर्ट के पटल पे हो, चाहे कोर्ट से बाहर हो, हमारे आराध्य देवता को फाउंटेन कहने का काम किया है। मेरी बहन नूपुर शर्मा आज भी अपने उस डिबेट के लिए आज भी उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। पर सवाल यह है कि अगर कोई एक वकील साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अपनी बात को प्रूफ करना चाहता है बिना किसी पे कोई टीका टिप्पणी किए हुए, तो क्या इसमें दिक्कत है? मैं बात पूछना चाहता हूँ।